Yeah.
पाकिस्तानी नहीं है। नहीं मैं तो पता नहीं लग रहा हूँ, हमारे दुश्मन मल गए, सब कुछ इंडिया कर रहा है। आईटी में वो दुनिया से बहुत आगे चले। कौन? इंडिया। कोई इंडिया तो कुछ भी, वो तो हमारी जेब में है। इंडिया तो कुछ भी, जब दुनिया हमारी जेब में है। इतना डरपोक पुलक है वो, इतना अगर वो ताकतवर हो, ताकत रखता हो तो आके बैठे, आके पर्सनल ग्राउंड के अंदर होम ग्राउंड खेले मैच आके। हाँ इंडिया को हम नहीं छोड़ेंगे, सारा कुछ इंडिया कर रहा है। इंडिया, इंडिया का साजिश है। चांद पे जाके उसने कोई जो ना झंडा नहीं उगाड़ लिया, इंडिया से हम आज भी ऊपर हैं। वो किस सेंस में? ओ भाई तुम लोग क्या कह ले गए थे, तुम्हें नमक बंद कर देना तुम्हारा, तो आधा हिंदुस्तान सिर्फ जहर से मर जाए इंशाल्लाह। भारत जो इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, वो हमसे कमजोर है या मजबूत है? हमसे कमजोर है। अकेले आए पाकिस्तान चल कर आए, सही है, और आके तहस नहस कर दिया। तुम जरा देखो ये, बताओ कैसी लगे। यहाँ थोड़ा मारा, हमारी गाड़ी उड़ गई, पाकिस्तानियों की उड़ी है। जाने के बारे में पूछा गया तो इन लोगों ने कहा कि सनी देओल के पाकिस्तान के आने के पीछे हमारी हुकूमत का हाथ है, और हुकूमत ही लाई होगी। आसानी से ये आ भी गया। ये एहसास और इंसाफ, ये तीन चीज किसी में तो वो इंडिया चला जाए, और बेमान है तो पाकिस्तान में रह जाए। मेरे दिल भी चाहता है मैं इंडिया चला जाऊँ, कसम खुदा का। इंडिया की सिफत क्यों नहीं करनी, बता दें। हमारा दुश्मन मुल्क है, तुम इंडिया का सिफत कर रहे हो। मेरे बाप को मरवाया, इनसे कैसे लड़ाई क्या 18 से पहले। इंडिया की ही तारीफ करने पर इतना बवेला मच गया, एक मिनट मुझे समझ नहीं आ रहा। हम मिक्स पठान नहीं, हम नस्ली पठान है। हम दुश्मन को भी जानते हैं और है ना दोस्त को भी जानता है। इंडिया कभी इधर तेरे धमाके किए इधर? बताएं बताएं, जवाब सुने जी, जवाब सुने। सुनना पड़ेगा, नहीं जवाब सुनना पड़ेगा सबको। अगर मेरा जवाब गलत है ना, पत्थर मेरे को मारो इधर। एक बात है, मेरे को पत्थर मारो। हम पठान का बच्चे है, हमें ना अपने आप को अपना जूता मारेगा। लेकिन इसके बाद पठान भाई ने जो पलटवार किया, उसे सुनकर आपका भी इस अफगान पठान भाई को भारत की नागरिकता देने का मेरा बात सुन, ये देख ये क्या है, ये देख, छोड़ो छोड़ो, ये देख, ये एक सर्विस कार्ड, ये इंटेलिजेंस कार्ड। मेरा बात सुन, नहीं छुपो जाओ अभी। अफगानी जो प्लेयर्स हैं, वो इरफान पठान के घर गए हैं, वहाँ सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, वहाँ मीटिंग कर रहे हैं। उसके अलावा पर अदनान सभी जो सिंगर है इंडिया के, वो उनकी वाइफ जो कि अफगान है, वो भी इनवाइटेड थी। फिर वहाँ पर इमरान ताहिर भी आए हुए थे, हरभजन सिंह भी आए हुए थे, और इरफान पठान के कुछ और फ्रेंड्स भी थे। जिस तरह से कल सचिन तेंदुलकर गए हैं उनके कैंप में, उनको टिप्स दी, फिर इरफान पठान जितने ज्यादा उनके साथ जेल नजर आते हैं, तो मुझे यह लगता है जैसे इंडिया जो है वो फुल सपोर्ट कर रहा है इस वक्त अफगानिस्तान की। इरफान पठान साहब का प्रॉब्लम क्या है? आपकी टीम इतनी स्ट्रांग है, आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो दूसरी टीम को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। कोई टीम नहीं जाए। अब एक नया मंजन आ गया उनका, वो ये कह रहे हैं कि जो जडेजा के हाथ में बॉल था उसका आउंस कम था, उसका वजन कम था। बोला यानी कि स्पिनर को हल्की वजन की और पेसर को ज्यादा वजन की। भाई कौन कहां से लेकर आ रहे हो भाई, हमें भी बताओ, हम भी जाए वहां पे उस बस्ती के अंदर जहाँ पे ये वाला मंजन मिलता है। जो हजा पे ट्वीटें करें, जो उधर जाके टी बाज फंटास्टिक करें, ग्राउंड में नमाजें पढ़ने को इशू बनाए, दिल दिल पाकिस्तान को इशू बनाए, ऐसे निकम्मे नलायक निकट्टू हमारे प्लेयर है, अनएजुकेटेड किस्म के, उनको इरफान पठान अपने घर पे बुलाए, उनको इज्जत दे। पाकिस्तान हमें सपोर्ट क्यों नहीं करता, बांग्लादेश हमें सपोर्ट क्यों नहीं करता? नहीं गैस हुआ है कि ये लूजर है। पाकिस्तानी क्रिकेट बिल्कुल बहुत आगे है, माशी तौर पर बहुत मजबूत है, टेक्नोलॉजी में आगे है, कानून की बालादस्ती है वहाँ, शहरियों को आजादी हासिल है, इसमें कोई शक नहीं। सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की जरूरत है। चांद जो है वो नजर आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होगा। गवर्नमेंट ही इस किस्म के सवाल करेगी हमसे कि यहाँ पर खड़े होके चांद नजर आ सकता है तो चांद पे जाने की, तो हमारी रिसर्च क्या होगी आगे? अभी रिसेंटली आप देखेंगे, अभी तकरीबन लास्ट वीक 2-3 दिन पहले इंडिया ने चंद्रयान लॉन्च किया है, वो लोग क्यों लाखों करोड़ अरबों डॉलर खर्च करके चांद पे जा रहे हैं? वो रिसर्च करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि वहां पर क्या होता है। अगर फौज चौधरी साहब की बात का जवाब इस तरीके से दिया जाए कि भाई अगर मैसेज खत के थ्रू, लेटर के थ्रू जा सकता है, फिर ये मोबाइल कॉल ये हम क्यों ले रहे हैं चाइना से या मुस्लिम कंट्री से? खत लिखा करें हम या कबूतर को भेजा करें। पाकिस्तान ये कश्मीर इंडिया का, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या ख्याल आते हैं आपके? हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की जरूरत, वो नजर आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है।